सॉफ्ट ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस भी आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग जरूरी क्यों है आईटी सेक्टर में, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए आप ये सभी जानते हैं कि आप लोग ने जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल से पढ़ाई की है, आपको ये ध्यान रखिएगा कि उसमें जो क्यूरिकुलम आपको जो दिया गया वो क्यूरिकुलम इंडस्ट्री से बहुत अलग है। मैं सबको बता दे रहा हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इंडस्ट्री कुछ और मांग रहा है और हमें कुछ एजुकेशन और दिया जाता है, दोनों के बीच को ध्यान रखिएगा, गैप को पूरा करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कुछ नहीं। और ये ट्रेनिंग ध्यान रखिएगा जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आप इंडस्ट्री के अंदर चले जाएंगे। अभी आजकल अगर देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं, जैसे गूगल को टारगेट कर रहे हो आप फेसबुक को टारगेट कर रहे हैं, आप एप्पल को टारगेट कर रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी में जाना चाहते हो, ओरेकल को टारगेट कर रहे हो, लेकिन इन सारी कंपनीज में जाने के लिए आपको ज़रूरी क्या है, आप अपनी ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग में भी 100% आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री मांगता है। मैं ट्रेनिंग के साथ आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ट्रेनिंग के साथ साथ एक काम आज से आप और चालू करें, जो जॉब्स निकलती है कंपनीज में उन जॉब्स में रिक्वायरमेंट आप देखिए कि रिक्वायरमेंट में क्या क्या मांगा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिक्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें मांगी जा रही है जो चीज़ें आपको कभी भी आपके करिकुलम में खाई नहीं। अब उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी कहती है कि वो काम बनेगा तो मैं आपको जॉब दूंगा, नहीं तो आपको जॉब नहीं दूंगा। तो पांच चीज़ों की ट्रेनिंग्स आप जरूर कर लें। फर्स्ट आप लिखिएगा कंपनी बेस्ड ट्रेनिंग, आपको ध्यान रखना कि आप ट्रेनिंग कौन से बेस पर करनी है, कंपनी के बेस पर आपको ट्रेनिंग करनी है। आप सिलेबस को ना फॉलो करें, आप फॉलो करें कंपनीज को जो आपको जॉब देती है। दूसरी ट्रेनिंग आपको क्या करनी है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि आपके बिहेवियर, आपका सॉफ्ट स्किल, जिसके बारे में पहले भी क्लास विस्तार में मैं ले चुका हूँ, फिर से मैं क्लास लूंगा विदेवाली के बाद, तो आपकी सॉफ्ट स्किल की पूरी ट्रेनिंग आप करिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, थर्ड आप लिखिएगा माइंड सेट ट्रेनिंग। थर्ड आपको जो ट्रेनिंग करना वो है माइंड सेट ट्रेनिंग, अपने दिमाग को स्थिर करे, क्योंकि ध्यान रखिएगा अस्थिर लोगों को कोई जॉब नहीं देता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको नौकरी ना लगने का मेन कारण ही कि आपका दिमाग स्थिर है। आप दिमाग को स्थिर करें, अपने इमोशंस को काबू करके जाइएगा, क्योंकि कंपनी को आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, किसी को नहीं मतलब है। नंबर चौथा लिखिएगा बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग, अपनी बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट करिए। सबसे बड़ा दोष जो हमारे अंदर रहता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं है। हमें जॉब चाहिए 5 करोड़ के लिए, 5 रुपया तक देने की कोई बॉडी लैंग्वेज आपने नहीं बनाई है। बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करने का सबसे मेन एलिमेंट होता है अपना कॉन्फिडेंस लेवल को, अगर आप बढ़ाएंगे तो बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, बाकी ड्रेसिंग सेंस तो है जो आपको सुधारना है। और फिफ्थ और लास्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिफ्थ ट्रेनिंग आप लिखिएगा रेगुलर अपडेशन ट्रेनिंग। आप खुद को रोज अपडेट करें, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, मुझे रोज कुछ ना कुछ अपने अंदर नया जोड़ना पड़ेगा। और रेगुलर अपडेशन के लिए ध्यान रखिएगा, आपको आजकल बहुत सारी किताबें, नेट, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह कहीं ना कहीं ज्ञान के भंडार बहुत है, कवर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं इस टॉपिक को एंड करने से पहले आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपके हार और जीत के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग ना ले पाए तो आपका डेफिनेटली हार ना तय है, क्योंकि इंडस्ट्री कहीं जा रही है और आप कहीं जा रहे हैं। और अगर आप एक ट्रेंड हो जाएंगे तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप आराम से इंडस्ट्रीज में जगह बना सकते हैं। तो ये 5 ट्रेनिंग आपको करनी जो मैंने बताया, इसके बाद हम लोग जीरा सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं।